Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आज मैं आपने पास 2024 TVS Jupiter 125 Smart Connect. Basically इस गाड़ी में हमें चार वेरिएंट्स देखने को मिलता है. Steering with drum brake, alloy wheel with drum brake, alloy wheel with disc brake और ये है Smart Connect. इस गाड़ी का एक शोरूम जो कीमत है लगभग 99,855 रुपीस एक शोरूम. तो ये प्राइस क्या इस गाड़ी में जस्टिफाई है, इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स मिलता है, इसके राइवल्स में और कौन सी गाड़ी है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में पता करने वाला है. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें. एंड बिफोर स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू ऑटोमोबाइल्स टीवीएस गिरपारा फॉर हेल्पिंग मी आउट. अगर आपको शोरूम का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो तो नीचे आए नंबर से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल्स मिल जाएगा शोरूम का, वहां से भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. करता है सामने से तो सबसे पहले यह हमें एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट कनेक्टिव बैजिंग है, टीवीएस की ब्रांडिंग यहाँ पे 3D में और सामने बॉडी है फाइबर का और यहाँ पे इंडिकेटर्स के ऊपर खूबसूरत सा एलईडी डीआरएल्स दिया गया है और डीआरएल्स का लुक आता है कुछ ऐसा. इंडिकेटर्स चारों के चारों हेलोजन बल्ब के साथ दिया गया है, ये एक मेरे ख्याल से ये एलईडी देना चाहिए था. उसके बाद आता है मडगार्ड यहाँ पे मेटल का और सामने आपको हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है यहाँ पे रिफ्लेक्टर रेक्टेंगुलर शेप का. डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है आपको जुपिटर एक्स कनेक्ट में और फिर आता है व्हील की तरफ तो 12 इंच की आपको व्हील मिलता है और 90x90 है इसका टायर प्रोफाइल, फ्रंट टायर प्रोफाइल है 90x90 का और साइड में आपको यहाँ पे जुपिटर की ब्रांडिंग देखने को मिलता है यहाँ पे 125 की बैजिंग यहाँ पे और बॉडी है साइड में मेटल का, यहाँ पे पिलियन फुट रेस्ट. फिर आते हैं स्विचेस की तरफ तो यहाँ पे हेडलैम्प्स की कंट्रोल्स, पासिंग की, यहाँ पे इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे सिंगल हॉर्न, लेकिन बहुत ही तगड़ा, मेरे ख्याल से ये एक्टिवा से ज़्यादा तगड़ा है. उसके बाद आते हैं इस तरफ तो यहाँ पे टीवीएस इंटेलिजेंस जो है, आप अगर ट्रैफिक में खड़े हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली, ये अगर ऑन है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली आपका इंजन ऑफ हो जाएगा, उसके बाद क्लच ब्रेक दबाने से दोबारा वो स्टार्ट भी हो जाएगा, जिससे गाड़ी में आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम बोलता है वही है. यहाँ पे हेजल लैम्प की स्विच इस तरफ, ये ऑन हो गया हेजल लैम्प और यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑन गाड़ी. किक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑन का ऑप्शन है यहाँ पे और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सेमी डिजिटल दिया गया है यहाँ पे और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें तो आपको इस गाड़ी में मिलता ही है. उसके बाद यहाँ पे जो स्विचेस दिया गया है ये मोड स्विचेस, इस वाले स्विच से आप बैटरी का वोल्ट फिर दोबारा दबाने से यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी, ड्राइविंग रेंज, एवरेज फ्यूल कितना है अभी, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिखाती है यहाँ पे. फिर दोबारा दबाने से यहाँ पे पावर मोड में चला जाता है गाड़ी, फिर लो फ्यूल है अभी जो भी हो, उसके बाद दोबारा से इको मोड आ गया यहाँ पे और यहाँ पे ट्रिप, यहाँ पे ऑडोमीटर, यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे फ्यूल के लिए और यहाँ पे टाइम और डेट के लिए. एक और चीज़ आपको इसमें मिलता है वो है वेदर रिपोर्ट, ये एक बढ़िया चीज़. फॉलो मी हेडलैम्प भी आपको इस स्कूटी में मिलता है. उसके बाद आते हैं फ्यूल टैंक की तरफ तो 5.3 लीटर्स की आपको इस गाड़ी में फ्यूल टैंक मिलता है और 1.3 लीटर की रिजर्व टैंक मिलता है आपको इस गाड़ी पे और फ्यूल टैंक ऐसे ओपन होता है, आपको जस्ट नॉर्मली इसको ऑफ करना है प्रेस करके जोर से उस तरफ, तो यहाँ पे फ्यूल टैंक ये ओपन हो गया है. एक बढ़िया से आपको सीट नहीं खोलना पड़ेगा, बस स्विच दबा और सामने ही है फ्यूल टैंक. फ्यूल टैंक तो पीछे है, फ्यूल कैप सामने है एक्चुअली. और रियर सस्पेंशन की बात करें तो 3-way एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन यहाँ पे दिया गया है. उसके बाद रियर व्हील की बात करें तो रियर में अभी आपको 12 इंच का व्हील मिलता है और 90x90 है इसका टायर प्रोफाइल, मतलब सामने और पीछे व्हील सिमिलर है, टायर प्रोफाइल सिमिलर है और टीवीएस की टायर्स आपको मिलता है इस गाड़ी में. और रियर में यहाँ पे हेलोजन टेल लैम्प आपको मिलता है, इंडिकेटर्स हेलोजन बल्ब के साथ, यहाँ पे रिफ्लेक्टर और ये फाइबर का. और इस तरफ एग्जॉस्ट में आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट गार्ड मिलता है मेटल का, ये सिल्वर फिनिश में.
सिल्वर कलर में आपको मेटल का एग्जॉस्ट गार्ड मिलता है, और एलॉय की डिज़ाइन और कलर डुअल टोन एलॉय मिलता है आपको इसमें, और डिज़ाइन और कलर बहुत ही खूबसूरत। और इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 124.8 सीसी का इंजन मिलता है एयर कूल्ड, जो अप्रॉक्स 8.04 बीएचपी और 10.5 एनएम ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। उसके बाद यहाँ पे क्रोम फिनिश दिया गया है यहाँ पे खूबसूरत सा। माइलेज इस गाड़ी में आपको 50 kmpl की आसपास मिलेगा, कंपनी क्लेम्ड है 50 kmpl की आसपास, तो उससे ज़्यादा ही मिलेगा, उससे कम तो नहीं मिलेगा पहले। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस गाड़ी में 163 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और सीट हाइट जो है इसका 765 mm की आपको सीट हाइट मिलता है, और गाड़ी का वेट जो है 108 किलोग्राम की आपको कर्व वेट है इस गाड़ी का। और यहाँ पे बैग होल्डर, यहाँ पे 3 kg तक आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे, और USB चार्जिंग पोर्ट इस तरफ की होल की इस तरफ है USB चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे एक पॉकेट होल्डर दिया गया है 2 liters की, बहुत ही बड़ा है चिल्लर वगैरह या सब कुछ रखने के लिए। और अंडर सीट स्टोरेज जो है लगभग 33 liters की आपको बूट मिलता है आपको इस गाड़ी में, और यहाँ पे पिलियन ग्रैब रेस्ट के साथ आपको पिलियन बैक रेस्ट भी मिलता है, और ये ठीक ठाक ही है। और उसके बाद इसके पीछे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है, और 125 की बैजिंग यहाँ पे छिपा हुआ है, आपको पहले नज़र में नहीं आएगा लेकिन यहाँ पे 125 की बैजिंग है। और फिर आते हैं बूट की तरफ, तो यहाँ पे आपको बूट ओपन करना है तो जस्ट इसे ट्विस्ट करना है और बूट हो चुका है ओपन। यहाँ पे आपको 33 लीटर्स की बूट मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ औजार, फर्स्ट एड किट, लेकिन बूट में लैंप वगैरह नहीं दिया गया है, पहले आता था लेकिन अभी वो बंद कर दिया है कंपनी ने, पता नहीं क्यों इसे कर दिया बंद। और ये गाड़ी E20 टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, मतलब 20% ऑफ इथानॉल ये गाड़ी ले सकता है। और इस गाड़ी में आपको साइलेंट स्टार्ट भी मिलता है, और वो एक बार दिखा देते हैं, उससे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोबारा दिखाते हैं कि ऑन करने के वक्त ये कैसा दिखता है। तो ये दिखता है कुछ ऐसा, वेलकम राइडर का वेलकम जो इल्यूमिनेशन है वो दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे, अभी हो गया ये स्टार्ट, और ऐसा इसको अगर थोड़ा सा थ्रॉटल, काफ़ी पावर है भाई गाड़ी में, काफ़ी पावर है। तो गाइस ये तो गया इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में, तो अभी बात करते हैं इसके राइवल्स के बारे में। तो ये गाड़ी डायरेक्ट कंपटीशन देने वाला है एक्टिवा 125, सुजुकी एवेनिस 125, इन सब गाड़ियों को, और मेरे ख्याल से उससे कई ज्यादा बेहतर है टीवीएस जुपिटर 125 स्मार्ट कनेक्ट, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत ही ज्यादा एडवांस फीचर्स आपको मिलता है सेगमेंट के हिसाब से। और उसके बाद इस गाड़ी में छोटे छोटे चीजों का भी काफी ख्याल रखा गया है, जैसे यहाँ पे क्रोम फिनिश दिया गया है ताकि आपको ऑड फील ना हो, हैंडल बार्स में आपको क्रोम फिनिश जैसा दिया गया है यहाँ पे क्रोम फिनिश दिया गया है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सेमी डिजिटल दिया गया है, जैसे आपको ESD में मिलता है, ESD एडवेंचर में जैसा मिलता है वैसे ही सेमी डिजिटल आपको यहाँ पे दिया गया है। E20 टेक्नोलॉजी आपको इस स्कूटी पे मिलता है, जैसे हालांकि वो आजकल हर स्कूटर पे ही आने लगी है, लेकिन इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, USB चार्जिंग पोर्ट, उसके अलावा वॉइस एंड SMS अलर्ट, फिर आता है वेदर रिपोर्ट, और मोबाइल कनेक्ट करने के बाद इसमें आपको क्रिकेट स्कोर, ये सब चीजें भी आप देख सकते हो यहाँ पे। और एक चीज जो मुझसे छूट गई वो है साइड स्टैंड अलार्म, गाड़ी ऑन है और साइड स्टैंड आपका नीचे है, जब तक नीचे है ये आवाज होती रहेगी, तो इसे कर लेते हैं ऊपर, हो गया बंद और गाड़ी को कर दिया ऑफ। तो ये सारी चीजें इस गाड़ी में है। तो अभी बात करते हैं क्या 99,855 रुपीस एक शोरूम जस्टिफाई है इस गाड़ी पे, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल है, क्योंकि एक एक चीजों का काफी ध्यान रखा गया। पिलियन बैकरेस्ट मिलता है जो मेरे ख्याल से सेगमेंट की बाकी स्कूटर पे आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें हैं इस गाड़ी को लेकर, आपका क्या ओपिनियन है स्कूटी को लेकर कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर मुझसे कुछ फीचर छूट गया है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करें, मिलते हैं अगले वीडियो में।